वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक छोटे बेबीज की यानी कि 6 to 9 months की बेबी के लिए एक इलास्टिक वाली फ्रॉक सिलेंगे, जहां पर चेस्ट पार्ट के यहां पर 3 से 4 हम इलास्टिक लगाएंगे और वहां पर हम एक प्लीट जैसा एक पैटर्न बनाएंगे और नीचे वो सिंपली फ्रॉक जैसा होगा। तो उसके लिए हमें कटिंग कैसे करनी है वो देख लेंगे। हमने यहाँ पर देखिए 4 fold कपड़ा लिया है, 1, 2, 3 and 4। ये 4 fold कपड़ा हमने बिछा दिया है और इसे हमने जो बंद वाला भाग है वो इस साइड है, जो खुला वाला भाग है वो इस साइड है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि जितनी हमारी फ्रॉक की हाइट हमें चाहिए, यहाँ पर जो बेबी है उसकी हमें जो हाइट चाहिए वो 19 inches यानी कि 19 inch की यहाँ पर हमें हाइट चाहिए। तो जो आपको हाइट चाहिए उसमें से आपको 3 inch कम कर देनी है, यानी कि जो हम ऊपर की तरफ स्ट्रैप लगाएंगे उसका हमें यहाँ पर जो माप होगा वो कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमें 19 में से 3 कम कर लेंगे तो हमें चाहिए 16 inch। तो हमने क्या किया, आधा इंच यहाँ पर ऊपर की तरफ मार्जिन रखा है क्योंकि ये यहाँ पर अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हो जाएगा। फिर इस मार्किंग से लेकर हमें जो हाइट में रखना है वो हमने 16 inch पर रखा है। 16 inch पर एक मार्क लगाने के बाद ये 2 inch का हमने मार्जिन नीचे की तरफ फोल्डिंग के लिए छोड़ा है, जो फ्रॉक का नीचे वाला पार्ट होगा उस तरफ हमें ये वाला भाग छोड़ देना है। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर देखिए कोई मार्किंग नहीं लगाई है, कुछ नहीं, क्योंकि इस फ्रॉक को बनाना बहुत ही इजी है। इसमें ना ही आपको ज़्यादा मार्जिन्स लगाने हैं, ना ही कोई मेजरमेंट ज़्यादा लेना है। बस आपको 2 ही मेजरमेंट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक तो आपकी हाइट और हाइट के बाद आपको कितना ऊपर से कट करना है और कितना आपको नीचे से मार्जिन के लिए रखना है। ओनली दिस, आपको इतने ही मेजरमेंट को याद रखना है। अब यहाँ पर जो है हमारा जो बेबी का चेस्ट पार्ट है वो हमें 11 इंच का रेडी चाहिए, तो 11 इंच का रेडी चाहिए और यहाँ पर हमने 9 लिया है, यानी कि यहाँ पर कितना डबल करेंगे तो 9 × 2 = 18 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से आपका जो भी मेजरमेंट है उसमें से आपको 6-7 inch के लिए ज़्यादा रखना है, क्योंकि इलास्टिक लगाने के बाद वो पूरा श्रिंक होकर प्लीट्स बन जाएंगे उसके। अब इसके बाद आती है बारी इलास्टिक की, तो हमें इलास्टिक कितने इंच की लेनी है, कैसे लेनी है वो हम देखेंगे। तो हमने देखिए यहाँ पर इस तरीके से वाइट एंड ब्लैक कलर में आने वाली सॉफ्ट वाली इलास्टिक ली है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर इलास्टिक को मेजरमेंट करना है और यहाँ पर मैंने 10 inch की इलास्टिक कट कर ली है। देखिए इस तरीके से हमने 10 inch की एक इलास्टिक कट की है। अभी हमने 10 इंच की क्यों कट की है वो भी हम देखेंगे। हमारा जो ये कपड़ा है वो 18 inches का है और हमने यहाँ पर 10 इंच की ये इलास्टिक कट की है, जो श्रिंक होने के बाद हमारा 10 से 11 इंच पर आकर बन जाएगा और इलास्टिक है तो स्ट्रेचेबल भी होगा ही। और इसी तरीके से देखिए हमने यहाँ पर आपको जितनी भी ऊपर की तरफ प्लीट्स के लिए इलास्टिक लगानी है वो हम लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 6 इलास्टिक कट की है, यहाँ पर देखिए ये हमने 10-10 inch की 6 इलास्टिक कट कर ली है। आप 5 कट कर सकते हैं, हाइट कम है तो 4 कर सकते हैं, इस तरीके से मैक्सिमम आप यहाँ पर 6 इलास्टिक लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से 6 इलास्टिक कट कर लिए। ये इलास्टिक्स आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, इन्हें बेबी इलास्टिक, सॉफ्ट इलास्टिक या नॉर्मल इलास्टिक भी आप देख कर ले सकते हैं। अब इसके बाद जो है हमें यहाँ पर जो ऊपर की तरफ स्ट्रैप लगाने हैं हम उसका मेजरमेंट लेंगे। तो उसके मेजरमेंट के लिए हमने देखिए यहाँ पर 2 कपड़े हैं, यहाँ पर यानी कि 2 पट्टियाँ हैं, इन पट्टियों को हमने कुछ इस तरीके से कट कर लिया है। ये जो कट पट्टियाँ हैं उनकी जो चौड़ाई होगी वो 2.5 से 3 inch तक आप रख सकते हो, मैंने यहाँ पर 3 inch की रखी है। और इसकी जो लंबाई रखी गई है वो 12-12.5 inch की यहाँ पर हम रख सकते हैं। अब हमने देखिए यहाँ पर 3 inch का ऊपर की तरफ छोड़ा था, तो 3 inch आगे और 3 inch पीछे आर्म होल की तरह हमारी जो पट्टी जाएगी वो वाली होगी यहाँ पर शोल्डर के ऊपर की, और हमने यहाँ पर लेना है उसका डबल। यानी कि हमने डबल क्यों लिया है, तो यहाँ पर भी हम जो है वो इलास्टिक लगाकर उसे श्रिंक कर प्लीट्स के रूप में ऊपर की तरफ डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए भी हमने इसी इलास्टिक में से देखिए कुछ इस तरीके से इलास्टिक कट की है, और आज ने ये जो इलास्टिक कट की है वो 8 inch की कट की है। 8 inch की इलास्टिक कट इसलिए की गई है, हमें देखिए 6 से 6.5 inch की बेबी का शोल्डर चाहिए और आधा आधा इंच दोनों तरफ स्टिचिंग में जाएगा और श्रिंक होने के बाद ये प्रॉपरली 6 से 6.5 inch का बन जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है, जितना भी आपने ऊपर की तरफ जो 3-3 inch वाला हमने मार्जिन छोड़ा है उसका डबल ले लेना है, यानी कि 6 inch होता है और 6 का डबल हमने यहाँ पर 12 लिया है। तो इस तरीके से हमने ये शोल्डर के लिए 2 पट्टियाँ और यहाँ पर देखिए 2 इलास्टिक कट कर ली है।
तो आप देखते हैं अब इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है उसको देखेंगे। पूरी स्टिचिंग अच्छे से देखना, आप भी अपने बेबी के लिए बहुत ही अच्छे से परफेक्टली एक फ्रॉक रेडी कर सकते हैं। तो पूरा प्रॉपरली पूरा वीडियो देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो देखिए हम सबसे पहले फ्रॉक में जो हमने कटिंग की है उसका हम एक भाग ले लेंगे। आप कोई भी एक पार्ट ले लेना, उसका फ्रंट या बैक दोनों भी इसमें सेम ही आने वाले हैं। ये हमारा कपड़े का फ्रंट वाला भाग है और ये अंदर की तरफ रहेगा वो। तो जो हमने ऊपर हाफ इंच की इस तरीके से ये मार्जिन छोड़ी थी उसे हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करके यहाँ पर एक सिलाई लगानी है। इस तरीके से सिलाई करने के बाद में हमने यहाँ पर 6 इलास्टिक ली हैं, तो हमें एक एक इंच पर 6 मार्किंग्स करनी है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ से लेना है यहाँ से पार्ट। तो देखिए एक एक इंच पर हमें यहाँ पर 6 इंच तक मार्किंग करनी है। हमने यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लिया है और इसी तरीके से आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर 2-4 मार्क लगा लेने हैं ताकि इलास्टिक टेढ़ी मेढ़ी ना हो हमारी। देखिए हम इस तरीके से एक एक इंच पर हम लोग 2-3-4 मार्क लगा लेंगे। और लास्ट में भी हमें एक एक मार्क लगा लेना है यहाँ पर। इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग लगा ली है। मार्किंग लगाने के बाद हमने देखिए इस तरीके से इलास्टिक लेनी है और ये जो इलास्टिक है उसे हमें इस वाले भाग पर यहाँ से रखनी है और पहले थोड़ी सी इलास्टिक को लॉक कर लेनी है यहाँ पर। और उसके बाद इलास्टिक को थोड़ा सा इस तरीके से खींचना है और जो मार्किंग है उस मार्किंग पर रखते हुए इलास्टिक के ऊपर ही सिलाई चला देंगे। और इसी तरीके से हर मार्क के ऊपर इस तरीके से हम इलास्टिक को खींचते हुए रखेंगे और सिलते जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से स्टिच लगा ली है और ये श्रिंक हो चुका है और फ्रंट में ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और इसी तरीके से हमें यहाँ पर सारी की सारी इलास्टिक्स लगा लेनी है। अब इसके बाद देखिए सेकेंड इलास्टिक लेंगे। सेकेंड इलास्टिक लगाते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि कपड़ा ऑलरेडी श्रिंक हो चुका है। तो देखिए 2 इंच के यहाँ पर हम पहले तो इलास्टिक को रखेंगे और फर्स्ट वाली को लॉक की है हमने, उसी तरीके से यहाँ पर हम पहले तो लॉक कर लेंगे। इलास्टिक लॉक करने के बाद इस वाले भाग को इस वाली हाथ की इस उंगली से इस तरीके से पकड़ कर रखना है और यहाँ पर इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरीके से हम इसका इसी तरीके से आगे करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको हमने देखिए यहाँ पर 2 इलास्टिक फिट कर लिए और इसी तरीके से हमें बाकी की और 4 इलास्टिक फिट कर लेंगे। यहाँ पर हमने इस तरीके से इलास्टिक देखिए इस तरीके से हमने 6 की 6 इलास्टिक लगा दी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 इलास्टिक लगाने के बाद ये देखिए फ्रंट से इसका जो लुक है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा और ये इस तरीके से स्ट्रेचेबल ड्रेस रहेगी। अब इसी तरीके से हम जो है हमारा दूसरा वाला पार्ट है उसे भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसका जो दूसरा वाला पार्ट है उसे भी यहाँ पर देखिए सेम इसी तरीके से रेडी कर लिया है। अब हमारे जो आर्म होल के ऊपर जो प्लेट लगेगी यानी कि पट्टी लगेगी उसकी बारी है। तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ पर 3 इंचेस का इस तरीके से एक कपड़ा जो है वो कट करके रखा था, एक पट्टी कट करके रखी थी। तो हमें क्या करना है, थोड़ा इस साइड से फोल्ड करना है और थोड़ा इस साइड से दोनों तरफ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो हम देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर पहले सिलाई लगा लेंगे।
हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। और अब हमें इसे पहले जो है इक्वल में इस तरीके से कट कर लेंगे। इस तरीके से कट करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास ये पट्टी है, और अब हमें इसमें इस तरीके से ये इलास्टिक जैसे हमने फ्रंट और बैक पार्ट में हमने फिट किया उसी तरीके से फिट करनी है। इलास्टिक को हम इसके बीचों बीच रखेंगे पट्टी के। पहले इस इलास्टिक को थोड़ा सा लॉक करना है और उसके बाद इलास्टिक को इस तरीके से खींचना है और इस तरीके से उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके की प्लेट बनाकर रेडी की है। और अब इसी तरीके से हमें दूसरे वाले शोल्डर के लिए भी एक पट्टी जो हमने कट की है उसे भी हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है वो देखिए दोनों पट्टियों को रेडी कर लिया है। अब हमें फ्रंट एंड बैक वाले जो पार्ट है हमारे वो वाले लेने हैं। हम इसे देखिए हमने ये दोनों पार्ट्स लिए हैं। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है वो सेंटर का मार्क करना है। तो देखिए हम दोनों वाले जो पार्ट्स हैं उनको इस तरीके से पकड़ेंगे विदाउट, आपको कोई स्ट्रेच नहीं करना है इसमें, कोई भी स्ट्रेचेबल वाला जो इलास्टिक है उसे खींचना नहीं है। और यहाँ पर इस तरीके से एक मार्क लगा लेंगे। ये मार्क लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर इस तरीके से 2.5 इंच पर मार्क लगाना है, यानी कि 2.5 इंच पर इस तरफ से मार्क लगाएंगे और 2.5 इंच पर हम यहाँ पर इस तरीके से इस साइड भी मार्क लगा देंगे। अब ये मार्क लगाने के बाद हमें इसमें देखिए ये वाली जो पट्टी है उसे अटैच करनी है। तो पट्टी को अटैच करने के लिए देखिए जो इलास्टिक वाला साइड है वो और ये इलास्टिक वाला साइड सेम तरफ से दिखने चाहिए, और जहाँ इलास्टिक है यानी कि मिडल पार्ट के यहाँ पर हमें इसे रखना है और यहाँ पर हम स्टिच लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हमें 2 से 3 स्टिच लगा लेनी है ताकि कि ये फिट हो जाए यहाँ पर। और इसी तरीके से हम यहाँ पर भी ये जो दूसरी वाली पट्टी है उसे फिट करेंगे। उसे फिट करने के लिए भी देखिए हमें इसी तरीके से इसे रखना है, और जितना आपने एक्स्ट्रा पट्टी में छोड़ा होगा यानी कि 1/2 इंच, तो आपको यहाँ पर 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। और यहाँ पर हम इसे इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से स्टिच होने के बाद एक पार्ट में तो ये वाली इलास्टिक वाले ये फिट हो चुके हैं। अब हमारे इसी तरीके से दूसरे भाग में भी हमें यहाँ पर निशान लगा लेने हैं। देखिए इसके बाद हमने यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लिए हैं। अब ये निशान लगाने के बाद हमें जो है इस पट्टी को इस तरीके से स्ट्रेट पकड़नी है, यानी कि इसे स्ट्रेट करनी है, और फिर यहाँ पर इस वाली भाग की पट्टी इस साइड ही स्ट्रेट करनी है और इस वाले भाग की हमें यहीं पर टक करनी है। तो देखिए 1/2 इंच हम इसे इस तरीके से बीचों बीच आपको जैसे हमने वो वाले पार्ट में किया था उसी तरीके से यहाँ पर रखना है और इसे स्टिच कर लेना है। यहाँ पर भी हम इसे डबल सिलाई लगाकर फिट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर इसका जो है दूसरा वाला पार्ट यहाँ पर इसे रेडी करना है। तो उसके लिए इसे भी हमें सबसे पहले स्ट्रेट लेना है, और स्ट्रेट लेने के बाद हमें यहाँ पर जो हमने 2.5 इंच वाली मार्जिन वाला जो पार्ट था उस तरफ रखेंगे इसे, और यहाँ पर हम इसके स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पर हमने देखिए कुछ इस तरीके से दोनों पट्टियों को यहाँ पर अटैच कर लिया है। देखिए ये स्ट्रेट इस तरीके से होगी, श्रिंक होने के बाद इस तरीके से लगेगी। अब हमें दोनों जो हमारे सही वाले पार्ट हैं उन्हें इस तरीके से बराबर वाले पार्ट में रखना है, और सबसे पहले हम साइड में इसके सिलाई लगा लेंगे। तो साइड में देखिए हम 1/2 से 1 इंच का जो हमने मार्जिन रखा होगा हम उसके हिसाब से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे।
तो यहाँ पर आपको सिलाई लगाते वक्त ऊपर वाले भाग में कुछ भी खींचना नहीं है, कोई भी ऊपर नीचे भाग नहीं करना है, क्योंकि नहीं तो फ्रॉक आगे पीछे हो जाएगी आपकी, यानी कि ऊपर या नीचे बन सकती है। देखिए हम कुछ इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। और अब इसके बाद आपको इस साइड से जो घेर वाला पार्ट है वहाँ पर आधे इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब इसी तरीके से हमें हमारा जो दूसरा वाला पार्ट है उस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने दोनों साइड से सिलाई लगा ली है। अब हम जो है ये जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पर हम जो हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था यहाँ पर हमें वो फोल्ड करना है। तो उसके लिए देखिए पहले छोटा हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और जो सेकेंड वाला फोल्ड होगा उसे हमें इस तरीके से जितना आपने मार्जिन नीचे छोड़ा होगा 1.5 इंच 2 इंच उतना आपको यहाँ पर फोल्ड करना है। और फोल्ड करते हुए आपको यहाँ पर इस तरीके से स्टिच लगा लेनी है। और इसी तरीके की स्टिच देखिए आपको इसे स्ट्रेट ही रखना है, आपको कोई टर्न नहीं करना है। और यहाँ पर आपको जो 1/2 इंच आपने अंदर की तरफ मोड़ना है वो वाला हम मोड़ेंगे और यहाँ पर इस तरीके से सिलाई पूरे राउंड में लगा लेंगे। यहाँ पर आपको पूरे राउंड में सिलाई लगानी है ताकि नीचे का जो पार्ट है वो हमारा बेस वाला पार्ट बनकर रेडी हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमने पूरे राउंड में इसमें सिलाई लगा ली है। तो देखिए सिलाई लगाने के बाद ये यहाँ पर इस तरीके से रेडी होगा। अब हमें इसे सीधा कर लेंगे। इस फ्रॉक को देखिए सीधा करने के बाद देखिए रफल शेप कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर ये इलास्टिक वाला रफल दिखेगा और ये इस तरीके का बॉडी पे हमें फिटिंग मिलेगी। और देखिए पीछे साइड भी ये इसी तरीके से है। यहाँ पर ये है शोल्डर वाला स्ट्रैप जो होता है हमारा, वो वाला स्ट्रैप है। और ये है हमारा इसका जो घेर रहता है नीचे वो है। तो इस तरीके से आज की हमारी ये जो बेबी की फ्रॉग स्टिचिंग कटिंग एंड स्टिचिंग थी वो फिनिश हो चुकी है। तो इस फ्रॉग की जो हमारी कटिंग एंड स्टिचिंग है वो आपको कैसे लगी वो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। कमेंट में बताने के बाद आज हम आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन की बेल आइकन पर क्लिक करना, जिससे कि मेरे हर इस तरीके के नए स्टिचिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।